नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले नमकीन स्टिक, जैसे आपको इसको 2 हफ्ते तक अच्छी तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो। ये हमने चावल के आटे से बनाई दोस्तों, रिजल्ट आप देख रहे हो कितनी करारी और बहुत ही खस्ती। बनाने का तरीका इतना आसान है कि हर कोई आसानी से घर पे बना पाएगी। तो हाँ दोस्तों, आखिरी तक वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन पे भी क्लिक करो, यानी जो भी नई वीडियो होती है दोस्तों आपके मोबाइल में पहले आ जाती। यहाँ पर हमने 1.5 कप चावल का आटा लिया है दोस्तों। ये मेजरमेंट में मैंने लिया हुआ है 1.5 कप चावल का आटा। इसी तरह से हमें चाहिए पाउडर के जैसे। अब यहाँ पर एक मुसल ले लें दोस्तों। यहाँ पे हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड कर लिया हुआ है। इसी के साथ हमने 3 या 4 हरी मिर्च डालनी है। इसी के साथ डाले ये 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर लेते हैं। अभी इसके अंदर ही हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अभी इन मसालों को हमें अच्छी तरह से कूट लेना है दोस्तों। यदि आपको कूटना नहीं पसंद होगा कोई बात नहीं, आप इसको मिक्सर में भी दरदरा पीस सकते हो। तो मसाले को अच्छी तरह से हमें कूट लेना है। अभी यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरह से कूट लिया, देखो इसी तरह से। अभी आपको लगा इसमें नमक हमने क्यों डाला, नमक डालने से क्या होता है, टाइम बच जाता है और जल्द से जल्द अच्छी तरह से कूटा हुआ हो जाता है, देख लो इसी तरह से। नहीं तो आप नमक नहीं डालते तो फिर अच्छी तरह से जैसे चाहिए वैसे कूटा नहीं होता, एकदम ऐसा मोटा मोटा लगता है। तो ये हमें जैसे परफेक्टली हमारा ये एकदम मसाला रेडी हो गया। हम करेंगे अभी आगे की प्रोसेस। अभी यहाँ पे कढ़ाई रखिए दोस्तों। अभी 1.5 कप जितना हमने चावल का आटा लिया था तो यहाँ पे हमें 1/4 कप भी पानी लेगा, यानी 150 मिली पानी लेना है, बस इतना ही, देख रहे हो। और भी यहाँ पे हमने डाल देने मसाले, जिसे हमने कुटे हुए थे वो मसाले ऐड कर लेते हैं इसी तरह से। और यहाँ पे हमने डालना है 1/2 चम्मच अजवाइन भी डाल देते हैं इसके साथ ही, मसालों के साथ ही हमें डाल देनी है। अभी यहाँ पे 1/2 धनिया डालना है और 1/2 थोड़ा बचा के रखोगी। अभी इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने को रख देते हैं, एकदम मसाले हमारे पानी के अंदर से घुल जाने चाहिए। अभी यहाँ पे पानी को अच्छी तरह से बॉईल हो गया, देखो अभी गैस की फ्लेम हमें थोड़ी धीमी कर लेनी है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमने चावल का आटा लेना और यहाँ पे एक चम्मच लेना, इसे मैंने लिया हुआ, इसका पीछे का पार्ट हमें लेना है। धीरे धीरे करके इसको ऐसे डालते जाना है और चलाते जाना है, यानी चावल की जो गुठलियाँ हमें होगी नहीं, देख रहे हो इसी तरह से। अभी हमें ऐसे फटाफट चलाना है, ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना। आप ज़्यादा पानी कर डालोगे फिर जैसे चाहिए वैसे हमारी स्टिक बनेगी नहीं। अभी आपको एक प्रश्न चिन्ह गिर गया, इससे अच्छा तो कच्चे चावल में सारे मसाले डाल देते तो ये तो बढ़िया हो जाता है। नहीं दोस्तों, कच्चे चावल में आप सारे मसाले आप डाल देते हो ना, फिर हमारी जो हम लोग स्टिक बनाते हैं वो कड़क बन जाती है। अभी इसको हमें अच्छी तरह से चला लेते हैं। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने चला लिया, देखो हमारा जो आटा था चावल का पूरा खिलखिला बन गया हुआ है, यानी अच्छी तरह से। अभी चमचे को हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ढक्कन लगा लेते हैं और गैस बंद कर देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको इसके अंदर ही स्टीम करने को रख देते हैं, यानी चावल का आटा अच्छी तरह से पक जाएगा। अभी यहाँ पे इसको गैस में से मैंने ऊपर निकाल लिया हुआ है बर्तन को। अभी हम लोग 5 मिनट हमारा हो गया, देख रहे हो एकदम परफेक्ट हमारा चावल का आटा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ, देख रहे हो। हाँ दोस्तों, अभी लॉकडाउन भी है तो हमें क्या खाया जाए क्या नहीं, हमारे यहाँ पे तो लॉकडाउन बहुत कड़क लगा है, तो मैंने सोचा ऐसे कुछ बनाया जाए, यानी 2 हफ्ते तक अच्छी तरह से रहेगा भी और कभी छोटी मोटी भूख लगी हमें तो हम खा भी सकते। अभी हम क्या करेंगे, इस आटे को एक बॉल में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे एक बड़े बॉल में मैंने निकाल लिया आटा। अभी थोड़ा बहुत गर्म है, इसको हल्का सा ठंडा होने को देने का है। आप कभी गर्म गर्म करोगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। ठंडा करना है, यानी इतना भी ठंडा हमें करना है जैसे हम लोग हाथ लगा पाएंगे वैसे इसको थोड़ा ठंडा करना है, ज़्यादा पूरी तरीके से हमें इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। अभी हमारा आटा अच्छी तरह से गुनगुना हो गया है, देख रहे हो हल्का सा ही गर्म है, ज़्यादा नहीं। अभी यहाँ पे पानी लेना है नॉर्मल वाला, अभी हल्का हल्का पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, और इसका डो बना लेना है, देख रहे हो इसी तरह से। हल्का ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, जैसे हमें लगा वैसे ही पानी डालना, सिर्फ इसका डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने टाइट सा डो बना लिया है, देखो स्टीम करने का कारण है कि डो एकदम सॉफ्ट हो जाता है हमारा और खस्तापन अच्छा आता है स्टीक में। अभी हमें इसको सेट वगैरह कुछ करना है, अभी तुरंत इसको बेलने को लेना है। अभी यहाँ पे चॉपर पे मैंने ले लिया है, डो डाल दिया हुआ है, हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं 1 चम्मच जितना, डो को चिकना कर लेना है, यानी चिपकेगा नहीं, देख रहे हो इसी तरह से। और यहाँ पे इसको हमें 3 में डिवाइड कर लेते हैं, 1 और ये 2 और ये 3। अभी इसको साइड रख लेते हैं, देख रहे हो कितना परफेक्ट हमारा डो हो गया, जैसे हमें चाहिए वैसे रिजल्ट मिल गया हुआ है। अभी हमें इसको गोल गोल कर लेते हैं, यानी अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं, स्टिक हमारी बहुत ही खस्ती बन जाएगी। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसल लिया है, देखो डो को कितना चिकना कर लिया हुआ है। अभी हमें बेलन लेना है और बेलन से इसको रोटी के जैसे बेलना है, रोटी तो बहुत पतली होती है उससे थोड़ा मोटा बेलना, रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है।
तो यदि आप ऐसे चिपक जाएगा तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको घुमा लेना है बस। देख लो इसी तरह से भी मैं कैसे घुमा रही हूँ, वैसे इसको घुमाते जाना और रोटी बना लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने रोटी के जैसे बेल लिया हुआ है, देखो पतला वाला इसी तरह से। अभी आपको लगा है साइड साइड में दरारे पड़ गए, भाई अभी कैसे होगा, दरारे कुछ तो काम के ही नहीं है। अभी आप देखते जाओ। अभी यहाँ पे हमने, आप चप्पू या पिज्जा कटर जो घर में होगा वो आप ले सकते हो। अभी मेरे पास पिज्जा कटर है, चक्कू भी, वैसे मैं पिज्जा कटर से कट करना पसंद करूंगी। अभी यहाँ पे इसको ये साइड में कर लेते हैं। इसी तरह से इसको हमें स्टिक करनी है लंबी लंबी, ये बहुत लंबी, इससे छोटी हम लोग करेंगे, पहले इसे लंबी लंबी कर लेना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है आपको और कौन से रिलेटेड वीडियो अच्छे लगते हैं, यानी रेसिपी, तो हमें कमेंट करके बताना है, मैं वो वीडियो भी शेयर करूँगी। हाँ दोस्तों, अभी आपको सब्जी के रिलेटेड चाहिए तो मेरे फेसबुक पे मेरा चैनल है, वही नाम से गीता कुकिंग वर्ल्ड है, वहाँ पे सिर्फ हम यानी सिर्फ सब्जी अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। अभी इसको हमें थोड़ा साइड कर लेती हूँ, ये वाला पार्ट को देख रहे हो, इसको बाद में और बेल लेते हैं। मैं छोटी छोटी स्टिक करूँगी इसी तरह से। ये इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी आप, मैं आपको लेके बता देती हूँ, एक स्टिक देखो इसी तरह से हमें करनी है लंबी लंबी स्टिक। साइज आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी आपको ये लंबा है, ये लंबा और ये छोटा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो क्यों ना सारे स्टिक हम ऐसे ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने सारे स्टिक बना लिए, देखो इसी तरह से मैं लेके बता देती हूँ। अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, पहले अच्छी तरह से गर्म ऑयल कर लेना है, बाद में गैस की फ्लेम हमें धीमी कर लेनी है। अभी यहाँ पे हमें एक एक स्टिक डालते जाना है, ये बहुत ही इजी तरीके से हल्के तरीके से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ गए समझो तेल के ऊपर, तो समझ में आता है हमारी स्टिक बहुत ही हल्की और बहुत ही खस्ती बन गई है। देख लो तुरंत ऊपर आ जाती है। हाँ दोस्तों, घर पे जरूर बनाना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है। ये थोड़ा नए तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है और ये एक दो हफ्ते तक अच्छी तरह से ये स्टिक रहती भी है। तो यहाँ पर हमें ऐसे स्टिक डालते जाना है, देख रहे हो, और गैस की भी हमें धीमी कर लेनी, फास्ट गैस करना नहीं है, नहीं तो ये स्टिक ना तुरंत फ्राई हो जाएगी, फिर जैसे चाहे वैसे रिजल्ट भी आएगा नहीं। धीमी आंच पे इसको ऐसे फ्राई करते जाना है। अभी हम इसको टच कर लेते हैं, ये ऊपर आ गई है, देख रहे हो, इसको उलट पुलट करते जाना है। 5 मिनट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें 5 मिनट लगे दोस्तों फ्राई करते समय। अभी आप देख रहे हो बबल्स है, यानी थोड़ा आटे में थोड़ा हल्का सा पानी है, और कम बबल्स होने के बाद ही हमें इसको निकालना है। अभी आपको लगा गोल्डन करना है, गोल्डन कलर आएगा नहीं, क्योंकि हमने चावल के आटे से बनाया हुआ है और व्हाइट तो रहेगा ही, है ना, देखो इसी तरह से। तो यहाँ पे और फ्राई करेंगे, क्योंकि बबल्स थोड़ी है तो हमें लगता है थोड़ा नरम आ जाओ, मतलब पानी थोड़ा है, और इसको कम बबल्स होने के बाद ही हम इसको निकालना है। अभी आप देख सकते हो पहले से कितनी कम बबल्स हो गई है, मैं लेके बता देती हूँ। आवाज़ भी देखना है, इसे समझ में आता है, एकदम करारे भी बन गए और हमारे खस्ते भी बन गए, लेके बता रहे हम। ऑयल थोड़ा भी रहेगा नहीं, इस बात की गारंटी, आवाज़ देखना है, है ना, परफेक्ट। तो क्यों ना भी घर पे बनाओ और हमें कमेंट करके जरूर बताओ। तो बाकी के सारे ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं स्टिक। देखा ना दोस्तों हमने कैसे बना दिया, वो भी चावल के कुरकुरी स्टिक, रिजल्ट आपके सामने। मैं उम्मीद करूँगी आप घर पे जरूर बनाओगे और हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। मैं आपको एक लेके बता देती हूँ, देखो कितने करारे भी है, ऑयल थोड़ा भी नहीं है, आवाज देख रहे एकदम, है ना, थोड़ा भी ऑयल मेरे हाथों में लगा नहीं, और 2 हफ्ते तक अच्छी तरह से रहता है, आवाज एकदम कुरकुरे हो गए। आप इसको छोटी मोटी भूख चाय नाश्ते के साथ भी आप इसको खा सकते हो। देखो मैं और एक तोड़ के बता देती हूँ, इसको थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ, और एक तोड़ लूंगी, यानी आवाज है ना, इसे एकदम टूट गई हमारी ये खस्ती स्टिक। तो हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करना है। और हाँ दोस्तों, नए हो गए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।